एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हे एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन दिस चैनल इज ऑल अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एंड आई पोस्ट वीडियोस ऑन एवरी फ्राइडे। डू यू नो गाइस, आई एम सुपर हैप्पी। अच्छा क्यों? क्योंकि स्प्रिंग आ गया है एंड जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल दिखाई देते हैं एंड जितनी दूर तक देख सको उतनी दूर तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। एंड आज का वीडियो भी स्प्रिंग इंस्पायर्ड है, तो चलो चलते हैं कुछ मैजिकल सा क्रिएट करने। सो गाइस, आज मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ ऑन पेपर फॉर अ चेंज। सबसे पहले मैं एक रफ सा ड्राॅइंग बना लूँगी। आज के आर्टवर्क में बहुत सारे पेड़ पौधे होने वाले हैं, तो एक्चुअली ड्राॅइंग स्किप भी कर सकते हैं। ये हो गई मेरी ड्राइंग कंप्लीट। ये कैसी ड्राइंग है भाई? चलो जैसी भी है, मैं इस पेपर को यूज्ड मास्किंग टेप से सिक्योर कर लेती हूँ। यूज्ड मास्किंग टेप? हाँ हाँ, मास्किंग टेप को दो बार तो यूज कर ही सकते हैं। सबसे पहले आई विल बी पेंटिंग स्काई। मुझे ग्रेडियंट इफेक्ट देना है तो मैं कोबाल्ट ब्लू कलर से स्टार्ट कर रही हूँ एंड नीचे की तरफ स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। गाइस, जब तक आपके कलर्स वेट है तब तक आप कोई भी कलर्स ऐड करो, मर्ज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे ही आपके कलर्स ड्राई होने लग जाए उनको ड्राई होने दो और कलर्स ऐड मत करो, ना ही ब्रश लगाओ, ना ही ब्रश गीला करके कलर्स मर्ज करने की कोशिश करो। इनमें से कुछ भी किया तो कलर्स पैची दिखेंगे, तो लेट इट ड्राई एंड ड्राई होने के बाद सेकेंड कोट अप्लाई करो। वेल, सेकेंड कोट मुझे तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट मैं ब्लैक प्लस डार्क ग्रीन कलर से ट्रीज के लिए एक बेस रेडी कर रही हूँ। आप चाहो तो बाउंड्रीज बना लो एंड देन उसको फिल करो, या फिर मेरी तरह ब्रश स्ट्रोक से उसका बेस बना लो। आई लाइक दिस वे एज बीच बीच में कहीं गैप रह जाती है जिससे कि पीछे की स्काई दिखती है, विच गिव्स अ रियलिस्टिक लुक। अब सबसे मजेदार पार्ट को पेंट करने की बारी आ गई है। मैं मिड ग्रीन कलर से छोटे छोटे लीव्स बना रही हूँ। ऑफकोर्स ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बट बड़ा मजा आता है पेंट करने में। गाइस, करना ही कुछ नहीं है, मजे से पत्ते बनाते जाओ। इस स्टेज पे मेक श्योर कि आप बेस को पूरा मत कवर करो ताकि ट्रीज में कुछ ऐसी भी पार्ट रहे जो ये दिखाए कि वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं पहुँच रही है। नेक्स्ट मैं ग्रीन कलर का लाइटर शेड लेके और लीव्स बनाऊंगी। बेसिकली लीव्स की लेयर बनानी है फ्रॉम डार्क टू लाइट, ताकि फ्रंट की लीव्स जिन पे लाइट्स आ रही है वो ज्यादा ब्राइट दिखे एंड जो लीव्स पीछे की तरफ है एंड उन पे लाइट पहुंच नहीं पा रही है वो डार्क दिखे। नेक्स्ट मैं इस ट्री में फ्लावर्स ऐड करूंगी सेम तरीके से। मैं पहले ऑरेंज कलर से फ्लावर्स बनाऊंगी जो कि इवेंचुअली वो फ्लावर्स बनेंगे जिन पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, एंड उसके ऊपर येलो कलर से फ्लावर्स बनाऊंगी विच विल शो द हाइलाइटेड फ्लावर्स। सेम तरीके से मैं और भी ट्रीज बना रही हूँ एंड उनके डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। एंड जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू ट्रीज, मैंने ट्रीज के लीव्स के शेप डिफरेंट रखे हैं। ग्रीन का शेड भी डिफरेंट लिया है, ग्रीन में कभी येलो ऐड किया तो कभी व्हाइट। लीव्स में जितना ज्यादा कलर्स के लेयर ऐड करोगे उतना अच्छा लगेगा, मिनिमम तीन तो रखना ही जैसे मैंने रखा है। अब नेक्स्ट ट्री के लिए मैं येलो ऑकर प्लस ग्रीन कलर का यूज करते हुए ड्राई ब्रश से डैब डैब कर रही हूँ ताकि बुशी टेक्सचर आए। आपने नोट किया होगा कि मैं हर ट्री को इंडिविजुअली पेंट कर रही हूँ। इसके दो रीजंस हैं। पहला कि हर एक ट्री डिफरेंट है, उनके लीव्स डिफरेंट है, एंड दूसरा ट्रीज की पोजिशनिंग। जो ट्रीज पीछे की तरफ है उनको पहले बनाया है, जो आगे की तरफ है उनको बाद में बनाया है। सो मूविंग ऑन, अब ट्रीज के ब्रांचेस एंड स्टेम्स भी ऐड कर दिया है मैंने यूजिंग ब्राउन कलर। नेक्स्ट मैं रोड पेंट कर रही हूँ यूजिंग ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट कलर। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इस पे लाइट ऑरेंज कलर ऐड करूंगी जिससे ये फील आएगा कि सनसेट रोड पे आ रही है। अब मैं रोड पे कुछ और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, लाइक फुटपाथ की बाउंड्रीज, रोड का डिवाइडर, डिवाइडर पे लगाए हुए प्लांट्स। आई नो डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा हो गई बट दिस विल डेफिनेटली गोना क्रिएट सम मैजिक। अब मैं पेंटिंग में एक और मैजिकल चीज ऐड कर रही हूँ। आई एम श्योर आप सब ने इसकी सवारी जरूर की होगी एंड मेरे जैसे बंदे जिनको सिर्फ साइकिल चलाना आता है उनके लिए ये व्हीकल तो बून है। मस्त बैठ के हवा खाते जाओ एंड नज़ारे देखते जाओ। यस गाइज, यू गॉट इट राइट। मैं यहाँ पे ऑटो बना रही हूँ, आप चाहो तो ये टोटली स्किप भी कर सकते हो। ऑटो का बेस ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है, अब मैं इसमें लाइट एंड शेडोज ऐड कर रही हूँ एंड छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। यू नो गाइज, मुझे ऑटो पेंट करते हुए ऐसी फीलिंग आई कि ये कितना क्यूट व्हीकल है। क्यूट व्हीकल कुछ भी। अब ऑटो तो बना लिया है बट विदाउट इंसान ऑटो चलेगा कैसे?
तो इसमें एक ड्राइवर बिठा देते हैं, चलो एक सवारी भी बिठा देते हैं ऑटो में। पहले क्या लगता है ये सवारी कहाँ जा रही होगी इतनी सुबह सुबह? ओके, अब डिटेल हो गई है कंप्लीट। रोड पे ऑटो एंड बाकी चीजों का शेडोज भी ऐड कर देती हूँ। नाउ लेट मी रिमूव द मास्किंग टेप एंड इट्स रेडी। ओके गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे कोई भी आर्टवर्क को रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करोगे वो भी ज़रूर बताना। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, बाय। मज़े से क्योंकि स्प्रिंग आ गया है।